हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। जैसा कि आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था और आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, सर बीपीएससी की वैकेंसी कब आ रही है, तो बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 2000 के लगभग पोस्टें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और सबसे पहली जो पोस्ट है अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीएम की जो पोस्ट है उसको यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि टोटल वैकेंसी कितनी है और ये अलग अलग विभाग हैं जिनसे ये वैकेंसियाँ आई हैं। आपको पता ही है टोटल अलग अलग विभाग होते हैं, उनको संयुक्त मिलाकर संयुक्त परीक्षा बीपीएससी के द्वारा करवाई जाती है सिविल सेवा की। तो देखो यहाँ पर लगभग 1945 वैकेंसी हैं और एक वैकेंसी इसमें अलग से दी गई है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसलिए उसका नोटिस अलग से दिया गया है। यहाँ पर आगे जो सूचनाएं हैं वो हैं, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, सामान्यता शैक्षिक योग्यता क्या होती है, ग्रेजुएशन मांगते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए, लेकिन ये बाल विकास परियोजना जो पदाधिकारी है इसमें ये दिया गया है कि स्नातक डिग्री हो या वैकल्पिक विषय, आपको ये कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा में करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको देखना है। और आगे बढ़ते हैं, आरक्षण जो नियम है और वही होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी भी है आपको कि बीपीएससी का जो फॉर्म है वो सभी राज्यों के विद्यार्थी भर सकते हैं जो आरक्षण का लाभ है, लेकिन वो किसको मिलेगा, जो मूल निवासी होंगे, बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके पीसीएस में सभी राज्यों के विद्यार्थी भरते भी हैं फॉर्म और सिलेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी का फॉर्म, लाखों लोग हर साल भरते हैं इस फॉर्म को। आगे देख लेते हैं आरक्षण के बारे में दिया गया है, जो आपको देख लेना आरक्षण के हिसाब से अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। और आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा में यहाँ पर अलग अलग एज दी गई हैं कुछ पोस्टों के लिए, उसको आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेना है। जो अनारक्षित पुरुष के लिए जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु है, वो 37 वर्ष है। उसके बाद आगे जो शारीरिक क्षमता वगैरह है ये देख लेंगे। मैं आता हूँ सीधे आपके कि प्रारंभिक परीक्षा की, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि कितनी होती है, 2 घंटे होगी और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन, सामान्य जो प्रश्न पत्र होता है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा वैकल्पिक विषय भी लेने होते हैं। सामान्य हिंदी है 100 अंक का, सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन 2 है, निबंध है, ठीक है। और बाकी ये सब्जेक्ट है, ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा, ठीक है। तो ये ऐच्छिक विषय हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो 4 विषय हैं वही, उन्हीं से आपको मेंस देना है, ठीक है। तो इसमें एक जगह और लिखा है 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जो वैकेंसी है उसका रिक्तियों का 2.5 गुना यानी 2000 है तो लगभग 5000 लोगों को इंटरव्यू के लिए इसमें बुलाया जाएगा। और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, ये कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र के द्वारा जो है, सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी न्यूनतम इतने अंक प्राप्त करना मुख्य परीक्षा में अनिवार्य है, अगर इससे कम अंक प्राप्त करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी। और जो व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू है उसके अंक है 120 अंकों का होगा, ठीक है। बाकी यही सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना इसमें
जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 28 तारीख से आपका यानी 28 सितंबर से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा, और जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है वो 18/10 यानी 18 अक्टूबर 2024 है। तो अब फॉर्म भी आ गया है, इसलिए देर ना करते हुए बिल्कुल तैयारी में लग जाना है और प्रारंभिक परीक्षा बहुत जल्द संपन्न होगी, है ना। क्योंकि जल्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता, 4 महीने भी 4 दिन के बराबर निकल जाते हैं, इसलिए तैयारी में बिल्कुल कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है, तैयारी जम के करनी है। और मेरे साथ बने रहना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको आगे गाइडेंस दूंगा इस BPSC की परीक्षा के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।